नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम पड़ना चाहिए, ये हो जाएगा तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अब तक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ये कहते आए हैं कि वो बिहार वासियों को नौकरी देंगे 10 लाख। रोजगार की बात डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन अब बता दें आपको कि आज पटना के गांधी मैदान से बड़ा ऐलान सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि हम 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख रोजगार देंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब सीएम नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान पहुंचे तो गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के तुरंत बाद जनता को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया है सीएम नीतीश कुमार ने, जिसमें उनका साफ तौर से कहना है कि अब बिहार वासियों को 10 लाख नौकरी नहीं बल्कि 20 लाख नौकरी दी जाएगी। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, सीधे सुनवा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी, और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए, नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम पड़ना चाहिए कि ये हो जाएगा तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे, ताकि ये सब काम में आप समझ लीजिए कितना ज्यादा होगा। तो हर प्रकार के लोगों के लिए तो काम किया जा रहा, अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास में लग 25 जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास अवस्थित है, 9 जिलों में कार्य शुरू किया गया है और 4 जिलों का भी निर्माण कार्य 1 साल में पूरा हो जाएगा। और उसी तरह से आप जानते हैं कि 8-9 में ही अति पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी जिला में 1100 बेड्स वाले जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बनाने की हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। 32 जिलों में ये काम हो गया है और वहाँ बिल्डिंग नहीं मिलने के कारण समय लगा, लेकिन 6 जिलों में बाकी काम भी अब शुरू हो चुका है। और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी सब काम किया जा रहा है।